ये मम्मी ने रुड़की से खरीदा है। बड़े कितने दिनों से बाहर निकली थी, मेरे पापा पर्सी, सही बात ये है, मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मेरे पापा पर्सी नहीं था, मैं सबसे पहले जाके वहाँ पर्सी लेके आई, ठीक है। और घर में भी कहीं इधर उधर जाने वाली नहीं थी, लाई भी नहीं, मैंने कहा आज जा रही हूँ। और ये चेन मेरी चाची ने मेरे लिए भिजवा रखी है, स्पेशल गोल्ड की चेन, सोने की चेन दगड़ियों। हेलो दगड़ियों, नमस्कार प्रणाम, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भागा पाठक व्लॉग्स में। दगड़ियों, आप देख सकते हैं मेरी एकदम जबरीली हालत हो रखी है, आपने देखा होगा मैंने सबसे पहले व्लॉग शुरू करते करते अपना पाउच उठाया है। जी हाँ, मैं बनाने जा रही हूँ बाल दगड़ियों, टाइम हो रहा है शाम के 4:30 आई थिंक, और सुबह से एज यूजल मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग गर्ल अपने कामों में लगी थी दगड़ियों। मम्मी घर आ गई तो क्या हुआ दगड़ियों, काम तो मेरे पे ही है दगड़ियों। मम्मी दिखाई दी आपको, मम्मी यहाँ भ्रमण कर रही है। और दगड़ियों, आजकल मेरे बाल इतने सारे गिर रहे हैं, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं करने वाली हूँ किसी चीज़ का, मैं बस बता रही हूँ मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा गिर रहे हैं आजकल सर्दियों में, और मेरे बाल बस इतू से बच गए हैं दगड़ियों। ये देखो लोगों के तो इतने, जब छोड़ देते हैं ना वो गुथी हुई चुटिया बना के, जब छोड़ते हैं तो इतने बाल तो वैसे होते हैं, यहाँ से गूंथ के फिर जब ऐसे नहीं छोड़ देते हम, तब लोगों के इतने बाल होते हैं, और मेरे पूरे इतने ही बाल हैं। कोई बात नहीं, जैसे भी हैं मेरे हैं। तो मैं बना रही हूँ अभी बाल, बाल बना ही लेती हूँ अब मैं। आजकल ना बहुत ही आलस आ रहा है दगड़ियों बाल बनाने का भी मेरे को। अभी थोड़ी सी फालतू की बकवास होने वाली है मेरी, सुन लेना थोड़ा सा, फिर चलते हैं वीडियो पर, ठीक है। तो एक तो ये भूरे बाल, ऊपर से पतले बाल इतने झड़ रहे हैं, अभी मैं बाल बनाऊंगी, मेरे जितने भी ये कपड़े ना सब इसमें चिपक जाएंगे। एक बार बाल बनाओ, फिर उसके बाद दूसरा काम ये हो रहा है कि पानी के हाथ लगा लगा के सब कपड़ों से झाड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि फिर वो ऐसे उड़ रहे हैं, वो खाने में भी आ जा रहे हैं मेरे। तब मेरे को छत पर चले गया, तब मेरे को बाल बनाने में बहुत ही पीतिंग आ रही है दगड़ियों, बाल बनाना भी सच में मेरे को बहुत ही पीतिंग लग रही है, रोज रोज का बाल बनाना। जरूरी, ऐसे थोड़ा अच्छा लुक आता है, आया। तो दगड़े, सर्दियों के दिनों का ये हेयर स्टाइल मेरा परमानेंट बन चुका है अब, क्योंकि अगर मैं ऐसे खुले छोड़ देती खाली पोनीटेल, तो मेरे बाल सुबह के लिए ना ऐसे हुए रहते। वैसे ही जो बनाते बनाते जेटी के ऐसे हुए रहते, क्योंकि मैं रगीला होना दगड़े, और रगीलाओं के बाल जेटी थे, ठीक है। तो बहुत ओवर एक्टिंग हो गई है, अब चलते हैं वीडियो पे, चलिए। दगड़ियों, अभी बताती हूँ क्या हो रहा है करके। वैसे तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि हो क्या रहा है। एक्चुअली मैं, मेरी मम्मी जो मैं तक कुसल ला रहे दगड़ियों। अरे हाँ, अभी तो मैंने बताया नहीं ना आपको कि मम्मी आखिर गई कहाँ थी। दगड़ियों, आप बहुत दिन से मुलाकात हुई आपसे, आप ठीक ठाक हो दगड़ियों? मैं तो ठीक ठाक, कुसल मंगल पहुँच गई अपने घर। इधर आओ। हाँ ठीक हूँ, पहुंच गई अपने घर कुशल मंगल। आप ठीक हो? बहुत दिन से मुलाकात हो रही है। मैं कहीं दूर बाहर गई थी, अपनी देवरानी के घर गई थी रुड़की में, वहाँ थोड़ा मेरे पैर में दर्द हुई थी, पैर दिखाने गई, अब मैं पैर दिखा के घर आ गई दवाई लेके, ठीक है। अब मैं आज ब्लॉग में रू देखूंगी मेरे को आज से ब्लॉग, ठीक है। माय कंटेंट हैज कम। कहने के लिए नाम का एक मेरा भाई भी आया है घर, जिसका अपने में ही है वो। नहीं दगड़ियों, कहने के लिए उसका खुद का काम हो, अपना काम कर रहा है। तू पता नहीं दिख भी रही है या नहीं यार? अरे दिखी हूँ, चल। तो सबसे पहली चीज है ये पर्स,
सबसे पहले गिफ्ट ही है मेरा। गिफ्ट नहीं है ये, तो तूने खुद खरीदा है, ये मम्मी ने रुड़की से खरीदा है। कितने दिनों से बाहर निकली थी, मेरे पास पर्स ही, सही बात ही है, मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मेरे पास पर्स ही नहीं था, मैं सबसे पहले जाके वहाँ पर्स ही लेके आई, ठीक है। और घर में भी कहीं इधर उधर जाने वाली नहीं थी, लाई भी नहीं, मैंने कहा आज जा रही हूँ मैं लेके आती हूँ बस, ठीक है। तो पर्स और ये, तो ये टोपी है, ये मेरे लिए मम्मी ला रखी है, ये ठीक हो रही है बताओ। और दूसरा है ये है मम्मी का स्टॉल, मम्मी ने नया स्टॉल खरीद रखा है, ये भी मम्मी ने खुद से ही खरीदा है। अभी मम्मी के पहले जो खुद से खरीदे वो वाले आइटम दिखा देते हैं आपको। ये शॉल जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देखिए, ठीक है। और मम्मी ने खुद से क्या खरीदा है, और कुछ नहीं खरीदा बस इतना ही खरीद के लाई है खुद से। अब दिखाते हैं आपको ये, सबसे पहले ये वाली स्वेटर है, मुझे बहुत पसंद आई, ये मामा ने दी है दगड़ियों मम्मी को, और इसको मैं पहनूंगी ये मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, लॉन्ग में, मतलब ये जैसे लॉन्ग कुर्ती सूट वगैरह के साथ, ये देखो ब्लैक कलर सबके साथ जाता है एज यूजुअल, और बहुत प्यारी है, बहुत गर्म भी है। सेकेंड ये स्वेटर बहुत सुंदर है दगड़ियों, बट मैं इसको नहीं ले सकती क्योंकि ये फैली हो रही है, अगर फैली नहीं दे रखी है, फैली नहीं होती तो मैं ले लेती इसको, ये मम्मी की दीदी ने मम्मी को दी है, बहन नहीं दीदी ने, ठीक है। देखिए कितना अच्छा बेबी पिंक कलर और इतनी सॉफ्ट है। मेरी दीदी हल्द्वानी पहुंच गई मेरे से मुलाकात करने के लिए, वही मेरे लिए कपड़े के लेके आई, कपड़े भी लेके आई थी। देखो दगड़ियों इतनी मस्त है ना, ये बहुत ही अच्छा वाला कपड़ा है इसका, सॉफ्ट सॉफ्ट, ये हो गया। फिर और है ये मेरे मामा ने मेरे के लिए भेजा है दगड़ियों, ये हुडी पिंक कलर की जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये देखिए बहुत अच्छी लगी मेरे को ये। और एक स्वेटर ये है दगड़ियों जो मामा ने मम्मी को दी, बट इसको मैं लूँगी क्योंकि ये मेरे लिए फिट हो रही है देखो कितनी मस्त लग रही है, हाँ इसमें खुशबू भी आ रही है, जैसे मैं जिस क्वालिटी की, मतलब जिस डिज़ाइन की ये वाली स्वेटर है, सेम ये भी वही है, एक ही कपड़ा है इन दोनों का, तो इस वाली को मैं रखूँगी। और ये स्टॉल मम्मी खरीद के लाई है मेरे लिए, ये देखिए ये भी गर्म है और काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये दुपट्टा तो मैंने मंगवाया था मम्मी से, क्योंकि मुझे इस टाइप के राजस्थानी दुपट्टे मुझे कब से लेने का मन था, और क्या कहते हैं, तो मैंने बोला मम्मी से अगर वहाँ रुड़की में मिलेंगे तो लेके आना, तो ये दुपट्टा लाई है मम्मी मेरे लिए, ये देखिए। इस टाइप के दुपट्टे मतलब बहुतों के कपड़ों के साथ मैच हो जाते हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं। देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं, ये कंगन ऐसे दिखाती हूँ ऐसे समझ में आएगा, ये देखिए ये कंगन इतने सुंदर है ना, ये मम्मी इज्जा और छोटी अम्मा के लिए लाई है, क्योंकि इतने दिनों दगड़ियों इज्जा और छोटी अम्मा ने यहाँ साथ निभाया, मेरे साथ साथ निभाया, साथ क्या खेला हमने यहाँ और ये सॉक्स हैं, इसमें एक इज्जा के हैं, एक है ताई जी के, मेरी ताई जी हैं जो मम्मी की दीदी, उन्होंने भी बहुत साथ निभाया, और एक है इज्जा के, तीन जोड़ी सॉक्स ही हैं, अब जिसको जो पसंद आए, ठीक है। और ये है इज्जा के लिए माला, चरियो दिखाती हूँ खोल के, इसके अंदर डालना है, ये चुनी का जैसा है, ये देखिए ये है दगड़ियों क्रॉकरी है, ये इसमें है, मैंने खुद भी नहीं देखे हैं एक्चुअली, हाँ ये तो मैंने खुद भी नहीं देखे हैं, चलाओ आपको भी दिखाते हैं। वाओ कितने सुंदर है ये यार, अब ये इनको खोलना नहीं है क्या, खोलना नहीं है ना, ऐसे दिखा देते हैं दगड़ियों, देखिए कितने प्यारे प्यारे कप हैं, और मेरे फेवरेट कलर ब्लू कलर के हैं दगड़ियों, बहुत सोने सोने, और इसमें प्लेट भी है दगड़ियों, ये देखिए बहुत सुंदर। और मम्मी पता नहीं अपने कामों में क्या लगी होगी, अरे मैं अपने लिए लाई हूँ, अरे हाँ मम्मी अपने लिए भी माला लाई है मम्मी उसको ठीक करने में लगी है। ये है मम्मी की माला, इसमें क्या बनाई, फूल, ये वाली मम्मी तब से इसको ठीक करने में लगी है। और ये है अंगूठी, इसमें एक मम्मी के लिए एक छोटी अम्मा के लिए, ये और ये देखो दगड़ियों दो जोड़ी चप्पल भी लाई है मम्मी मेरे लिए, और
आप एक बार मेरे को बताओ कि मैंने इनमें से कौन से वाले चप्पल रखे होंगे। देखते हैं मेरी दगड़ी मेरे को कितना जानते हैं। चलो जल्दी जल्दी बताओ, मैंने ये वाले रखे होंगे, ये वाले। जल्दी जल्दी, 1 2 3। यस, यू हैव गेस्ड इट राइट, ये वाले, क्योंकि ब्लू इज माय फेवरेट कलर। ये मैंने जो कहा, कौन आया दगड़ियो अपनी अपीयरेंस देने के लिए, ये भी आ गया है दगड़ियो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चेन दगड़ियो, ये चेन बहुत ही सुंदर है, इसको मैं आपको क्लोज अप करके दिखा रही हूं। और ये चेन मेरी चाची ने मेरे लिए भिजवा रखी है, स्पेशल गोल्ड की चेन, सोने की चेन दगड़ियो, सोने की नहीं है, सच मानोगे, पर लग रही सोने की है ना दगड़ियो। ये देखिए दगड़ियों, इतनी सुंदर लग रही है, इसमें वो क्या कहते हैं वो वाला लॉकेट, वो लॉकेट वो है, वाहेगुरु वाला, पंजाबियों का जो लॉकेट होता है ना, सिखों का वाहेगुरु वाला लॉकेट है इसमें। और बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये चेन, ये देखिए एकदम सोने की जैसी। तो दगड़ियों, ये सामान तो मैंने कल ही देख दिया था, अभी दिखा रहे हैं आपको, और तब से ऐसे ही पड़ा था। मम्मी कब से बोली थी इसको टांस टांस करके, मैंने कहा वीडियो बनानी है करके। अब सामान की देखो, ये कैसा थुबुड़ मत रखा है ये, अब इसको करना है फोल्ड दगड़ियों। हाँ, दगड़ियों घूमने आई है अस्पताल को, 3-4 चक्कर अस्पताल का ले गया, फिर 2 दिन रेस्ट कर तिहार दिन ही आ गई थी। ऐसी बात है गड़ियों, पहाड़ी में लगा कहाँ रह पाते हैं, ज्यादा टाइम जो नहीं था, घर भी तो छोड़ छाड़ घर गोरु बाछा खेती बाड़ी चेल घर है मेरा। या तो चेले मेले सब दगड़ा जाना, गोरु बंदोबस्त करी मन लाग रही दगड़े, आप चेल भे घर में गई वहाँ झरका बहने भी इधर था, चाची लोग ने कर दी, उनार भी घूम भी आ गई, उना प्रसाद जा भी आ गई, ठीक है। तो दगड़ियों, अभी के लिए बस इतना ही फिर आज के व्लॉग में, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मम्मी घर भी आ गई है और भाई भी आ रखा है। कांती करके सोचा होगा, आपने नहीं देखा होगा, नहीं सोचा तो बता ही दिया है। आप देखते रहे ना रोड, ठीक है। हाँ, और अब देखते हैं फिर सामान वामान पैक करते हैं हम, और मिलते हैं आपसे कल। और मम्मी की चाय हो रही है ठंडी, मम्मी बोल रही है कब जो ये कैमरा बंद हो रहा है, कब जो मैं चाय पीती करके। तो चलिए फिर, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बनाने आता।